बागेश्वर पुलिस ने 2 किलो 60 ग्राम चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला को NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। SP ने सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। आरोपी महिला को इससे पूर्व भी चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बागनाथ वार्ड निवासी प्रेमा देवी विगत कुछ सालों से चरस तस्करी के कार्य में लिप्त है। महिला थोक में चरस मंगाकर स्थानीय युवाओं को पुड़िया बनाकर बेचती है। बरामद माल की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। चरस बरामदगी से पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी का मादक पदार्थ विरोधी अभियान और तेज हो गया है। बागेश्वर पुलिस इससे पूर्व 2 स्मैक तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज हमने 2 किलो 60 ग्राम चरस के साथ में एक महिला अभियुक्त को पकड़ा है। इनका नाम हेमा है, प्रेमा है, और ये जो है इनकी एक दुकान चलाती है परचून की, ये बागनाथ मंदिर के पास में जो हमारा तल्ली बाजार पड़ता है वहाँ पर, और दुकान में ये परचून के साथ में साइड में अपना ये चरस भी बेचने का काम करती आई हैं। तो इनको इस क्वान्टिटी के साथ में पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। NDPS का मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। तो क्या ये कहीं बाहर भी तस्करी करती थी या लोकल सप्लाई करती थी? इन्होंने भी काफी चीजें बताई हैं, बाहर तो नहीं लेकिन हाँ बागेश्वर एरिया में तो ये सप्लाई करती ही थी। कहाँ से ला रहे थे, कहाँ से ला रही थी? लाई नहीं थी इनकी, इनके जो दुकान में है वो हमें पाया गया, लाते हुए नहीं पकड़ा है इनको। इनकी दुकान में स्टोर था बेचने के लिए, तो वहां से पकड़ा है इनको। अभी बाकी पूछताछ करेंगे कि कहाँ से लाते थे, किसको किसको बेचते थे, बट यूजुअली इनके जो कस्टमर्स हैं वो बागेश्वर जो टाउन है वहाँ को केटर करती थी। हाँ, टीम ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि लेडी पहले भी पकड़ी गई और अभ्यस्त हैं, और इनको पकड़ना कोई बहुत आसान काम नहीं है क्योंकि हर किसी को देते नहीं है माल ये। तो जो हमारी टीम है उसको उसका मोटिवेशन के लिए हमने 1000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड पूरी टीम के लिए किया है। इससे पहले ये 2007 में एक बार पकड़ी गई है, 6 किलो चरस के साथ में पकड़ी गई थी। कैमरामैन भुवन के साथ CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।